हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय मामाज़ यूट्यूब चैनल। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने घर वाले कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, और मामा भी काम कर रही है, 100,000 भी काम है हमारे पास, ठीक है ना। तो मेहंदी का इवेंट जो है ना वो भी स्टार्ट होने वाला है अभी, बस मैं जाकर जल्दी से रेडी होंगी, फिर आपको अपनी फुल लुक दिखाऊंगी और मामा की फुल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। आज कल व्लॉग का स्टार्ट आगे भी मैं लेती थी, लेकिन आज भी मैं ले रही हूँ और कल भी मैंने लिया था, बिकॉज़ मामा बहुत ज़्यादा बिजी हैं अभी भी, वो जो है ना स्टिचिंग कर रही हैं, कुछ काम जो रह गया, मेरे दुपट्टे की लेस लगाने में भी रह गई है तो वो लगा रही हैं, और मिलते हैं अब आपसे रेडी होके। अच्छा जी, मेकअप हमारा डन हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं आपको जो है ना ये चीज़ें दिखा रही हूँ, मैं अंदर मेकअप कर रही थी तो भाई के ससुराल वाले आ गए थे, तो ये सब चीज़ें वो लेके आए हैं। ये है जो उन्होंने गले में हार पहनना है, ये साथ में मिठाई लेके आए हैं, ये शूज़ वगैरह हैं, और इसमें पता नहीं क्या चीज़ है, और साथ में भाई का ड्रेस लेके आए हैं और वो अंदर हैंग हुआ हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद मैं जा रही हूँ अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, फिर आपसे रेडी होकर मिलती हूँ। और साथ ही साथ मेरे गजरे भी आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि पता नहीं आने या नहीं आने, और जिस तरह की मैं कह रही थी ना कि मुझे इस टाइप के मिले हैं वो मिलेंगे कि या नहीं, तो उसी टाइप के मिले हैं, वाइड वाले, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे गिफ्ट मिले हैं, गजरे हैं, साथ में वो जो कानों में डालते हैं बाले वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। मैं अभी जो है ना आपको दिखाती हूँ बारी बारी। ये मैंने पहना था तो इसके फ्लावर्स जो है ना वो निकलने शुरू हो गए हैं। बिंदिया भी साथ आई है, ये देखिए, एक ये पेयर है। ये मुझे ना गिफ्ट मिले हैं फ्रॉम माई इन लॉज, और ये हैं बाले जो कानों में पहने हैं मैंने, और ये रही बिंदिया, ये बिंदिया, ठीक है ना। अब मैं जाके जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर मिलते हैं हम रेडी होके। अब यू रेडी? अब ये है मेरी फुल लुक। तो मामा बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है, तो मामा जो है ना अभी आपके सामने नहीं आ सकती, वहाँ पे जाके वेन्यू पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। बार बार परांदे से मेरा एयरिंग अटक रहा है, और मेरी फ्रेंड जवेरिया यहाँ पे खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है, ब्लॉग बहुत कम बन रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो अभी हम जाके वेन्यू पर जा रहे हैं, फिर वहाँ पर जाके आपको सब कुछ दिखाती हूँ, सबकी, मामा की ओवरऑल लुक, भाई की ओवरऑल लुक, और पापा की, सबकी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे दूल्हे राजा हो गए हैं तैयार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। है मामा की फुल लुक, माशाल्लाह। मामा इधर देखिए, हेलो करें, आपने फुल लुक देख ली है, भाई की भी देख ली है, पापा की और अब्दुलरहमान की मैं नहीं दिखा सकती, वो आप आगे ऐसी क्लिप्स में देखेंगे पापा को और अब्दुलरहमान को, तो बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट था और हम लोगों को बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी कि क्या करना क्या नहीं करना, तो जो समझ में आया मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और हम लोग आ गए वेन्यू पे, वेन्यू पे जब मैं आई तो खाना वगैरह सब लोग खा रहे थे। मेन्यू में हमारे पास था हलीम और चावल, साथ कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद थी ग्रीन टी हमारे पास। सब लोग अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर सब लोग ढोल ढमके में मसरूफ़ हो जाएंगे, वो वीडियोज़ भी आपको आगे मिलेंगी। तो ये थी मेरी प्लेट, मुझे तो वैसे यूजली नहीं पसंद इतने दाल चावल। मामा अम्मी लोग मामा सब लोग कह रहे थे खा लो खा लो खा लो, तो मैं कह रही थी नहीं मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाने, लेकिन सब लोग इतना फोर्स कर रहे थे, फिर मैंने ले लिए, ये भी मैंने छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद ग्रीन टी आ गई, ग्रीन टी पी, उसके बाद हम लोगों ने जो है ना फ्रीदाला ने जो है ना मंगवा ली हुई थी मरास ने, लोगों ने भी ढोलक वगैरह बजाई, डांस वगैरह किया, बेले वगैरह हुई, वो सब क्लिप्स जो है ना आपको आगे मिलेंगे। तो जी आप लोग जो है ना इन्जॉय करें आगे वाले सारे क्लिप्स, मेरा तो गला इस टाइम बहुत ज़्यादा बैठ गया हुआ है, तो आप लोग जो है ना इन्जॉय करें, मिलते हैं आगे इंशाल्लाह। Yeah।
हूँ कि आप लोगों ने पीछे जो सारी वीडियोस के क्लिप्स हैं वो एंजॉय किए होंगे, सब चीज़ें करने के बाद, ढोल ढमका होने के बाद, डांस वगैरह होने के बाद, जो है ना मोहम्मद भाई को हम लोगों ने सोचा कि अब तेल लगा लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था हमें यहाँ पर, तकरीबन 3 बज गए थे फंक्शन को ख़त्म होते होते, फिर यहाँ पे सब ने तेल लगाया, सबसे पहले मामा ने लगाया, पापा ने लगाया, भाई ने लगाया, अब्दुलरहमान ने और मैंने, अब्दुलरहमान ने तो आई थिंक नहीं था लगाया शायद, उसका मुझे कन्फर्म नहीं है, तो मैंने भी लगाया, सब ने बारी बारी भी सब ने तेल लगाया, लेकिन यह है कि मैंने व्लॉग जो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाना था, बहुत ज़्यादा वीडियोस और भी थी, बहुत ज़्यादा मेहंदी का स्टफ़ मेरे पास और भी पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ बीच में पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं नहीं दिखा सकती, इसलिए वो मैंने ऐड नहीं की, इसलिए आप जितना व्लॉग मैंने बनाया है आई होप सो कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और यहाँ पे रमीज़ भाई ने पूरे का पूरा गुलाब जामुन मोहम्मद भाई के मुँह में डाल दिया था, और आई होप सो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी करें, कमेंट करके बताएं कि आपने इवेंट इंजॉय किया है या नहीं किया। यहाँ पे इनकी मामा, अरूश लोगों की मामा जो मेरी हाला हैं शमाइला हाला, वो मेहंदी में शामिल नहीं हो सकी थी, एंड पे हुई थी, वो भी जो है ना अफरा तफरी में हुई थी क्योंकि उनको एक ट्रेजेडी हो गई थी, उसकी वजह से वो नहीं आ सकी थी, तो फिर वो एंड पे आई थी ऐसे, लेकिन उनकी कोई भी वीडियो जो है ना नहीं बनी। उसके बाद तेल वगैरह लगाया, फिर सब लोग घर चले गए, लेकिन ये तो कुछ फैमिलीज जो थी ना वहाँ पे ही थी, फिर हम लोगों ने फैमिली फ़ोटोशूट करवाया और उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर आकर भी काफ़ी देर हम लोग बातें करते रहे, मेहमान काफ़ी ज़्यादा इधर ही थे, फिर सब लोग अपने घरों में चले गए। तो ये था हमारा मेहंदी का व्लॉग, कल जो है ना बारात का व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड होगा, तो आप लोगों ने वो भी देखना है, उसको भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और नीचे आपको सब लिंक्स मिलने हुए हैं, इंस्टाग्राम के भी हैं, यूट्यूब के भी हैं, टिकटॉक के भी हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिंक्स दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।